आइए बात करते हैं भाग्य में डूज एंड डोंट्स की। मेष और वृश्चिक राशि वालों को आज परिश्रम का फल आकांक्षाओं से कम प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ प्रयत्न को बढ़ा करके वांछित परिणाम के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। वादों को पूरा करने के लिए धन उधार लेना पड़ सकता है। अगर कोई पहले से आपने वादा कर रखा है उसको पूरा करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, और अगर आप पूरा करना चाहते हो तो आपको फिर लोन लेने के अलावा कोई आपके पास रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आज भावनात्मक संबंधों में साथी के आचरण से थोड़ी परेशानी, आपके मानसिक तनाव आपको रह सकता है। संयमित व्यवहार करें। किसी भी हालत में अपने साथी की आलोचना सार्वजनिक तौर पर तो बिल्कुल भी ना करें। अगर दुविधापूर्ण स्थिति में हैं आप तो शांत रह करके इस स्थिति से निकलने का प्रयास करें। वृष और तुला राशि वालों का मन व्यापार में मिले अपेक्षित परिणामों से उत्साहित रहेगा। कुछ नया करने की कोशिश में खर्च बढ़ सकते हैं, उन्हें सीमित रखने का प्रयास करने होंगे। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी संवाद तनावपूर्ण होने से आपके कार्य के प्रति एकाग्रता थोड़ी सी भंग हो सकती है। विवादों को टालें और अपने कार्य पर फोकस करें तो आप तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। मिथुन और कन्या राशि वालों को आज मुश्किलों के बीच से रास्ता निकाल करके सफलता के लिए पूरा संघर्ष करना होगा। आश्वासनों पर आधारित अग्रिम योजना बनाने से बचें आप। कोई किसी ने आपको आश्वासन दे रखा है, आपके उसके ऊपर आधारित कोई बड़ी योजना बना ली, पीछे से आपको सहायता ना मिले तो बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। विदेश व्यापार या शिक्षा से जुड़े मसले आपके हल होंगे। अगर आप कोई बाहर जाने का या विदेश व्यापार से जुड़ी हुई कोई योजना बना रहे हैं तो उन मसलों पर कुछ ना कुछ मदद आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कर्क राशि वालों को आज कार्यों में अपनी दक्षता और क्षमता का पूर्ण परिचय देते हुए तेजी से सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रयत्नों में जुट जाने का समय है। अगर वो जुटते हैं तो सफलता बड़ी भी हो सकती है। भावनात्मक मुद्दे परेशानी का कारण बन सकते हैं, इन पर बातचीत को टालें। आज कोई भावनात्मक बातचीत ना करें। जो भी पहले से चल रहा है उसी को एक संयमित तरीके से उसी पर डटे रहें। सिंह राशि वाले सूर्य प्रधान लोगों को अपने व्यक्तिगत से ज़्यादा सामूहिक लक्ष्यों पर नजर रखनी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े लोगों को ज़्यादा एकाग्रता के साथ जुटने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। धनु और मीन राशि वाले बृहस्पति प्रधान लोगों को आज स्नेह और प्रेम में एकदम बिगड़ी बात भी वापस पटरी पर लाने की प्रयास करने होंगे। आपका साथी तनावपूर्ण तरीके से हो सकता है कि एक डिस्टेंस बनाने की कोशिश करके आपको जाते हुए अवसर को अपने हाथ से पकड़ना है और उन्हें मना करके वापस एक तरह भावनात्मक एक सौहार्द बिगड़ने से बचाने की पूरी कोशिश करनी होगी। धन की अच्छी उपलब्धता रहेगी। व्यापार, शिक्षा और श्रम तीनों क्षेत्रों में किए प्रयासों को भाग्य का समर्थन मिलने की पूरी संभावना है। मकर और कुंभ राशि वाले शनि प्रधान लोगों को परिश्रम और व्यवहार कुशलता से पुराने बिगड़े कार्यों में से भी कुछ सफलता की शुरुआत हो सकती है। प्रयास आपको करना होगा। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अच्छे आश्वासन मिलने से मन में उत्साह रहेगा। यात्रा लाभकारी रहेगी। भाग्यम में अब वक्त है सितारों के बारे में जानकारी लेने का। आज हमारे पास इस क्रम में कुंडली है महाश्वेता देवी की। महाश्वेता देवी भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध लेखिका थी। इनका जन्म 14 जनवरी 1926 को हुआ था। इनके पिता मनीष घटक एक कवि और एक उपन्यासकार थे, और उनकी माता धारित्री देवी भी एक लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। कोलकाता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करने के बाद एक शिक्षक और पत्रकार के रूप में आपने अपना जीवन शुरू किया और उसी रूप में नौकरी भी की। तत्पश्चात 1984 में लेखन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अंग्रेजी व्याख्याता का पद छोड़ दिया और वहां से सेवानिवृत्ति ले ली। पिछले 40 वर्षों में उनकी छोटी छोटी कहानियों के 20 संग्रह प्रकाशित किए जा चुके हैं और 100 उपन्यास के करीब उनके प्रकाशित हुए हैं। सभी बंगला भाषा में प्रकाशित हुए हैं। उनकी कई रचनाओं पर फिल्म भी बनाई गई। इनके उपन्यास पर कल्पना आदि ने फिल्म बनाई। साथ ही साथ इनके 1998 में फिल्मकार गोविंद निहलानी ने इनकी एक उपन्यास से फिल्म बनाई। 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। 1986 में पद्मश्री, 1997 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 28 जुलाई 2016 को कोलकाता में उनका स्वर्गवास हुआ। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें नमन करते हैं और उनकी सूर्य कुंडली में जन्मकालीन ग्रहों नक्षत्रों के आधार पर उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो कुंडली उनकी उपलब्ध है उसमें सूर्य, बृहस्पति और केतु लग्न के अंदर है। इसके मायने क्या होते हैं? सूर्य कुंडली में
सूर्य के साथ में बृहस्पति और केतु होने का मायने यह है कि व्यक्ति लगातार अपने श्रम को ज्ञान के माध्यम से जोड़े रखता है, यानी वो जो कार्य करते हैं व्यक्ति वो ज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हैं। ये इस कुंडली की प्रथम विशेषता है। केतु साथ होने से इनके एक तरह से कहते हैं कि केतु जिस भी ग्रह के साथ होता है लगभग उसी रूप में उसको द्विगुणित कर देता है उसकी ताकत को, और यहाँ बृहस्पति के साथ केतु होने ने एक तरह से बृहस्पति की ताकत को दुगुना कर दिया, यानी श्रम जो ज्ञान के क्षेत्र में हो रहा था वो दुगने श्रम से उन्होंने काम किया। ऐसा लगता था लोगों को कि महाश्वेता देवी ने जितना लेखन किया है अपने रिटायरमेंट के बाद वो एक व्यक्ति के बस की बात नहीं, इतना लिखा गया है उनके द्वारा। दूसरी बात यह है कि शुक्र का शनि के राशि में होना, शनि की राशि में शुक्र एक ऐसी स्थिति बनाता है मित्रों कि कलात्मकता स्थिरता ले लेती है, यानी कि जो कलात्मक भाव है वो जीवन का स्थिर भाव हो जाता है। व्यक्ति काल्पनिक तौर पर इतना बेहतरीन कल्पनाओं की एक रचना करता है, ऐसे दृश्यों की रचना करता है जो व्यक्ति को उसमें, अगर कोई व्यक्ति उसमें शब्दों के माध्यम से उतर जाता है तो उसे लगता है कि वो वास्तविकता को अजी रहा है, यानी कि कहानी सच्चे अनुभव होती है चाहे वो कहानी सत्य पर आधारित न हो तो भी। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ सभी लेखकों के लिए जो लेखन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए हो सकती है मित्रों, ये उनके लिए, उन कुंडलियों के लिए एक आधार कुंडली भी हो सकती है कि चंद्रमा और बुध दोनों साथ होना। जिस भी कुंडली के अंदर बुध और चंद्रमा साथ होते हैं वो पत्रकारिता के क्षेत्र में, किसी भी लेखन क्षेत्र में बहुत ऊंची स्थिति पाते हैं मित्रों, क्योंकि बुध शब्दों का रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा भावनाओं का। जब शब्द और भावनाएं एक जगह पर आ जाएं तो वो लेखन के अंदर उन्हें बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त होती है। जो भी जो कलाकार हैं, चाहे फिल्म कलाकार हों, थिएटर हों, इनके अंदर जिनकी भी चंद्रमा और बुध की स्थिति एक साथ होती है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी संवाद अदायगी के लिए भी जाने जाते हैं, शब्द विन्यास के लिए जाने जाते हैं। तो एक तरह से ये एक ऐसा महत्वपूर्ण योग है जिन कुंडलियों में भी आप बच्चों की कुंडली में देखते हैं, जिन भी ऐसे लोगों की कुंडली में ये योग देखें जहाँ पर अभी प्रयास होना शुरू नहीं हुए हैं, या जिन कुंडलियों में जो प्रयास करना चाहते हैं और झिझक रहे हो इस बात से कि क्या पता उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो निश्चिंत हो सकते हैं अगर बुध और चंद्रमा उनका अगर एक साथ है और योगकारी स्थितियों में है तो फिर वो व्यक्ति शब्दों के क्षेत्र के अंदर ऊंची उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। मंगल और शनि ये दोनों एक साथ होने ने लगातार श्रम साध्य बनाया उन्हें। जिस किसी भी कुंडली में मंगल और शनि साथ हो मित्रों, आप ये बात कैसे अदृष्ट भी हो तो व्यक्ति श्रम करने में पीछे नहीं हटते, वो लोग बहुत मेहनती होते हैं, अपने कार्यों में बड़ी मेहनत लगाते हैं, और मेहनत किसी भी कार्य, ऊर्जा किसी भी कार्य की पहली चीज है। अगर आपके पास वो ऊर्जा नहीं है, आप कितने भी ज्ञानवान हो, कितनी भी ऊंची आपकी सोच हो, कुछ भी आप विशिष्ट करने की क्षमता हो, अगर उसको लगातार करने की आप में क्षमता नहीं है तो आप ऊंचाई नहीं पा सकते। और हर उस कुंडली में जिसके अंदर कंसिस्टेंसी आप देखना चाहें, लगातार प्रतिबद्धता आप देखना चाहें, उनमें मंगल और शनि का कोई ना कोई योग आप जरूर पाएंगे। तो जब कभी भी आप मंगल और शनि का योग पाएं, सिर्फ उस व्यक्ति को किसी एक खास कार्य क्षेत्र के अंदर आपको लगाने की आवश्यकता है, फिर वो राह पा जाए। एक बार उसको उस राह पे दृढ़ हो गया, उसको विश्वसनीय तरीके से ये तय हो गया कि वो उस चीज के अंदर आगे बढ़ सकता है, तो आप देखेंगे उसकी सफलता बहुत ऊंची होगी और बहुत निर्णायक होगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ भाग्य में।